हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपका कोई भी अगर प्राइवेट फोल्डर हो या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, और कोई भी प्राइवेट वीडियो या इमेज हो जो आपको डर है कि कोई कॉपी ना कर ले, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका भी एक उपाय है। आप तो सोचते हो कि फोल्डर को लॉक किया जाएगा कि नहीं। हाँ जाएगा भाई, जाएगा, फोल्डर को लॉक किया जाता है, लेकिन शायद आपको अभी अच्छे तरीके से पता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बकचोदी कर लिया मैं इतना, फिर से साला काटना पड़ेगा, अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन है, तो इसको बिप कर देते हैं हम, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर है ना, पहले चेक कर लो आप होगा तो जरूर मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको करना है अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एनवी फोल्डर लॉकर। ओ वैसे तो मैं डाउनलोड कर लिया, चलिए ठीक है, आपको तो नहीं पता ये बात। एनवी फोल्डर लॉकर लिखने के बाद आपको डाउनलोड एनवी फोल्डर में क्लिक मारना है, सबसे ऊपर शो कर रहा है, ध्यान से देखिए आप। फिर उसमें क्लिक मारने के बाद आपको डाउनलोड, उसके बाद आपको डाउनलोड में क्लिक मारना है। डाउनलोड में क्लिक मारने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया एक बात, मेरा डाउनलोड मैंने करके रखा है, तो इसलिए मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। फिर हमें बैक जाना है, बैक जाने के बाद मैंने डाउनलोड किया है जहां पर, मैं वहां जा रहा हूँ। देखिए डाउनलोड फोल्डर में क्लिक मारना है, फिर मैं वहां से डबल क्लिक मार के इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है। मेरे बगल में सीरियल चल रही है, मैं उसे बंद कराता हूँ। सीरियल बंद करो, ठीक है, मैं बंद कर दिया। नेक्स्ट में क्लिक मारना है, इंस्टॉल में क्लिक मारना है। मारने के बाद अब इंस्टॉल का आपको इंतजार करना है, इंतजार हो गया, इंतजार खत्म, सिंपली खत्म। तो हाँ, फिर फिनिश में क्लिक मारना है आपको, फिर सिंपली इसमें कट मार देना, पढ़ लीजिए पहले, देख के थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आपका एनवी फोल्डर लॉकर, आप इसको कट मार लीजिए। अरे मारिए कट, और सॉरी मुझे ही मारना है कट, ठीक है, तो मैं कट मार लेता हूँ इसे। उसके बाद आपको फोल्डर को ओपन करना है, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर को ओपन करने से सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, याद रखिए। देखिए पासवर्ड मांगा, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड अल्फाबेट प्लस स्पेशल कैरेक्टर और प्लस नंबरिंग, ये तीनों को मैच करके करना है। अल्फाबेट का पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी जो दो अक्षर स्मॉल दीजिए, फिर एट द रेट दीजिए, फिर आपको नंबरिंग 1 2 3 4 जो भी देना दीजिए, ठीक है। तो मैं सिंपल अपना पासवर्ड बना रहा हूँ, देख लीजिए, आप भी अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। एट द रेट, उसके बाद 1 2 3 4 या 4 4 3 2 1 जो भी होगा नंबरिंग में आपको डाल देना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालना है आपको, जो भी हो आपका ईमेल एड्रेस। फिर आपको ओके में क्लिक मारने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ खुल के आएगा विंडो। आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर देखिए ऐड शो कर रहा होगा प्लस के निशान के साथ, उसमें क्लिक मारना है आपको। क्लिक मारने के बाद देखिए फोल्डर मेरा डेस्कटॉप में जतिन नाम का शो कर रहा है, या डेस्कटॉप में भी यहाँ पर भी जतिन शो कर रहा है, मैं जतिन फोल्डर को ही लॉक करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे में आपको आना है, ओपन में क्लिक मारना है, वहां पे टिक लगाइए आप। टिक लगाने के बाद आपको देखिए यहाँ हाइड एंड लॉक लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, पासवर्ड में लाना है। पासवर्ड में देखिए ये दो तरह का, डिफॉल्ट पासवर्ड जो पहले से पासवर्ड दिया हुआ है, आप जो अभी बनाए मेरे सामने, मैंने बनाया आपके सामने जो, ठीक है, उसको भी आप डायरेक्ट आप फोल्डर में भी लॉक डाल सकते हो और एप्लीकेशन में भी। लेकिन सिंपली जहाँ पे कस्टम पासवर्ड लिखा हुआ है, इसमें फोल्डर का लॉक अलग रहेगा और आपका एनवी फोल्डर लॉकर का लॉक अलग रहेगा। आप चाहो तो कस्टम में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिंपली इसमें डिफॉल्ट में करके ओके कर दिया, आप देख लिए, ठीक है। फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर आपको खोल के दिखाता हूँ जल्दी फोल्डर को, आप देखिए, ये देखिए पासवर्ड मांगे। तो कैसा लगा आपको सीख के नया चीज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अदरवाइज आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं लगा तो फिर बताइए क्यों नहीं लगा, लगा है तो शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी इधर उधर की हंसी को छोड़ो, आप देखो मैं इसे आपको लॉक ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये खुलती है कि नहीं खुलती है, कैसा रहता है खुलने के बाद, मतलब कैरेप्ट रहता, अब क्या बोलूं मैं। ओपन हो गया मेरे भाई, ओपन हो गया, ओपन हो गया, देख लो आप, कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दो बस, बस आखिरी दुआ यही।